नमस्कार, मैं हूं विशाल कौशिक और आप देख रहे हैं न्यूज़ NCR। आज हम आपको एक ऐसी जगह पर लेकर जाने वाले हैं जो कि फरीदाबाद को एक अलग पहचान दे रहा है। HR51 रेस्टोरेंट आज हम विजिट करने वाले हैं और आपको पूरा इसे चेकआउट करने के बाद हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर जो फूड की जो क्वालिटी है वो क्या है और पूरा एटमॉस्फेयर इस पूरे रेस्टोरेंट का हम दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले जो मैं दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर एंट्री के साथ ही आपको देखने को मिलेगा एक बजाज चेतक स्कूटर जो कि अब बंद हो चुका है मार्केट में। ये एक विंटेज स्कूटर है जो कि यहाँ पर लगाया गया है एकदम स्टार्टिंग में। तो वहीं दूसरी साइड आपको देखने को मिलेगा ट्रक का जो बैक साइड होता है, लेकिन उस पर हालांकि हम देखते हैं कि उस पर लिखा जो होता है कि बुरी नज़र वाले तेरा मुंह काला, लेकिन इन्होंने एक अच्छा थॉट यहां पर दिया है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो चलिए अब अंदर चलते हैं और इस रेस्टोरेंट को विजिट करते हैं और देखते हैं कि यहाँ का एनवायरमेंट क्या है, यहाँ के इनके पास जो फूड है उसमें क्वालिटी क्या है और इनके जो फूड में आइटम्स हैं वो कितनी हैं। तो चलिए पूरा चेकआउट करते हैं इस रेस्टोरेंट को। का कॉरिडोर जहां पर आप ठीक पीछे मेरे देख रहे हैं कि चंडीगढ़, कुरुक्षेत्र और रोहतक की यहां पर डायरेक्शन दिखाई गई है। तो चलिए रोहतक चलते हैं क्योंकि वो सबसे ज्यादा नजदीक है, लेकिन उससे पहले देखें कि किस तरीके से यहां पर आर्टिफिशियल चीजों को यहां पर यूज किया गया है। और आप ठीक साइड में मेरे देख रहे हैं कि यहां पर आर्टिफिशियल ग्रीन ग्रास लगाई गई है जो कि बहुत ही अद्भुत लग रही है। अब आपको दिखाता हूं कि जो यहां का लाउंज एरिया है उसमें किस तरीके से इन लोगों ने यहाँ पर चीज़ों को यूज़ किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस वॉल पे ग्रैफिटी लगाई गई है और बड़े ही सुंदर तरीके से इसे डिज़ाइन किया गया है। और सबसे साइड में मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर कैसे साइकिल के जो रिम्स होते हैं उनको कितने अच्छे से यूज़ किया है वो भी आप देखिए। HR51 रेस्टोरेंट में मैंने एक छोटी सी चीज़ है ये, बट मैंने जो ऑब्जर्व की ये बहुत ही बढ़िया है कि यहाँ पर जो रोड साइड रिफ्लेक्टर्स लगाए जाते हैं वो यहाँ पर लगाए गए हैं और देखें आप किस तरीके से ये काम कर रहे हैं। और अब मैं आपको लेकर चलता हूँ जो इस रेस्टोरेंट का डाइनिंग रूम है वहाँ पर आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से इसको डेकोरेट किया गया है, कितनी अच्छी जो यहाँ पर जो लाइट्स हैं वो जो ट्रक की जो लाइट्स होती हैं वो यहाँ पर यूज़ की गई हैं। इतनी सारी नंबर प्लेट्स आपको देखने को मिल जाती हैं, डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज के लोगो और यहाँ पर मिरर्स आपको देखने को मिल जाते हैं। इस पूरे डाइनिंग रूम का सबसे बेस्ट पार्ट मुझे जो लगा वो यह है यहाँ का फ्लोर, क्योंकि जो यहाँ का फ्लोर है वो हरियाणा रोडवेज से जुड़ता हुआ है। तो मैं आ चुका हूँ HR51 के डाइनिंग रूम में जहाँ पर हमें मेन्यू कार्ड दे दिया गया है और इसके अंदर इतनी सारी वैरायटीज हैं, लेकिन मेरा मन जो है वो इंडियन फूड खाने का है। तो मैं ऑर्डर करूँगा अभी दाल मखनी और पनीर बटर मसाला क्योंकि वो यहाँ की स्पेशलिटी है। फूड जो है वो मेरी टेबल पर है और आपको दिखा दूं कि किस तरीके से मुझे ये प्रेजेंट किया गया है। और ये है पनीर बटर मसाला और ये है दाल मखनी और ये है उसके साथ मुझे ग्रीन चटनी भी इन लोगों ने दी है। तो चलिए जल्दी से शुरू करता हूँ मैं अपना खाना। तो अभी मैंने दाल मखनी टेस्ट किया और ये बहुत ही ज़्यादा लाजवाब है, अमेजिंग है। और जो बटर की जो क्वांटिटी इन्होंने जो इसके अंदर डाली है वो बहुत ही नॉर्मल है। तो चलिए अब पनीर भी टेस्ट करते हैं। पनीर की जो क्वालिटी है वो बहुत ही अच्छी है, बहुत ही सॉफ्ट पनीर है और फ्रेश, जो बिल्कुल खाने में जब लगता है तो एकदम फ्रेश ये फील कर रहा है। तो खाना तो एक नंबर है, मैं इसको 10 में से 9 पॉइंट देना चाहूँगा। और आप भी यहाँ पर आ सकते हैं, आपके फरीदाबाद सेक्टर 31 में ये रेस्टोरेंट है।
तो डाइनिंग हॉल में आप देख रहे हैं कि कितना प्यारा एक टैक्सी का जो लुक है वो यहाँ पर दिया गया है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस डाइनिंग रूम में, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर लगाई गई हैं। आपको साइड में दिखाऊँ तो यहाँ पर स्केचेस डिफरेंट डिफरेंट बाइक्स के, डिफरेंट डिफरेंट कार्स के यहाँ पर स्केचेस लगाकर बनाए गए हैं। मतलब काफ़ी कुछ अच्छा इन्होंने ऐड करा है अपने फूडिंग में, अपने क्या नाम है कस्टमर के लिए। तो अनीश जी, सबसे पहले तो आपको बधाई हो, आपने एक और नया रेस्ट्रो जो है वो 15 सेक्टर की मार्केट में खोल लिया है। यार सबसे पहले मैं आपसे ना ये जानना चाहूँगा कि जो यहाँ का HR 51, क्योंकि ये एक कहीं ना कहीं RTO या मैकेनिज्म को ये दर्शाता है, तो आपने ये क्या सोच के इसका नाम रखा रेस्ट्रो का HR 51? सर ये सवाल हमेशा लोग मुझसे पहला करते हैं। हाँ। कि आप HR 51 आपके माइंड में नहीं, वो सबके माइंड में आता है। हाँ, आया कैसे? तो मैं यही कहता हूँ सर, हम फरीदाबाद के लोग जज्बाती हैं, जज्बात को एक हमने HR 51 को एक जज्बात को हमने उसका नाम देके। नहीं अभी तो RTO क्योंकि चेंज भी हो चुका है, HR 87 भी आ चुका है, 87 भी है, 51 भी है। 51 हाँ। पुराना है। हाँ। सबसे पुराना, सबसे है, पुराना सब लोकप्रिय है सबके में। हाँ। HR 51 जानते हैं, HR 51 मतलब फरीदाबाद हो गया। हाँ। हम यानी कि फरीदाबाद की पहचान हो गई। हमने उसी को जज्बात को उठाया, उसी से मुझे उठाया और हमने उसी का फ़ायदा उठाते हुए अपने रेस्टोरेंट का नाम रखा। और ऐसा बहुत प्लस पॉइंट मिला है इसमें, लोगों को एकदम नाम HR 51 एकदम अट्रैक्ट किया लोगों। तो आपको मैं एक चीज़ और यहाँ पे दिखाना चाहूँगा कि जो यहाँ पर जो गेट है उसको किस तरीके से डिज़ाइन किया गया है। यहाँ पे बहुत सारे मैकेनिक पार्ट्स जो हैं वो यहाँ पर लगाए गए हैं। ऊपर आप देखें तो ऊपर की साइड यहाँ पर गाड़ी का जो बोनेट होता है उसे यहाँ पर किस तरीके से इन्होंने यूज़ किया है। मैंने मतलब जो इसका जो व्यू देखा, कहीं पे रिम यूज़ किए हैं, कहीं पे आपने चेन यूज़ की है, कहीं पे बहुत सारे बाइक्स के लोगो यहाँ पर लगाए गए हैं, तो वो सब क्या है, मतलब वो क्या थीम है? था ऐसे भी HR 51 यानी कि कार्स का हो गया। हाँ। कार बाइक का हो गया, ठीक है। हाँ। तो हमने कहा सेम चीज़ को रखते हैं माइंड में और उसी पे रेस्टोरेंट बिल्ड करते हैं। अच्छा। तो उसी को छोटे छोटे जो हमने लोग इनको यूज़ नहीं करते हैं। हाँ। तो सोच सकते हैं इसका यूज़ भी हो सकता है, उसको हमने पुट ऑन करके रॉक को बिल्कुल उसमें फिनिश करने के लिए बम्पर यूज़ करा, कार का बोनट यूज़ करा हमने, फ्रंट कार यूज़ करी है पूरी, देखा होगा आपने। HR 51 को रिलेट करने के लिए सब कुछ किया। आपके यहाँ जो यूथ आता है उसका कैसा रिस्पॉन्स रहता है, क्योंकि जो आपने जो एक माहौल देने की कोशिश की है यहाँ पर, क्योंकि फरीदाबाद में और भी रेस्टोरेंट्स हैं लेकिन उनमें इस तरह का माहौल कहीं नहीं देखने को मिलता। बेसिकली ऐसा रेस्टोरेंट आपको देखेंगे कि आपको पाएगा मॉल बार्स में, पाएगा कैफेज में पाएगा। हमने कैफे और बार वारा मूड नहीं था खोलने का, हमने कहा कुछ रेस्टोरेंट तो हर कोई खोलता है, कुछ अलग क्यों ना किया जाए। जी जी जी। तो अलग चीज़ को रखते हुए फिर मैंने कहा अलग करने के लिए फिर इंस्पायर करा यूथ को पकड़ना है। यूथ के साथ कैसे उसको माहौल चाहिए, एटमोसफेयर, वो हम उसको क्रिएट करते हैं, वो अपने आप ही यूथ अपने आप अट्रैक्शन हो जाएगा। वही हमें सेम चीज़ यहाँ पे रखा हुआ ना। मुझे बहुत अच्छा लगा खाना, एक्चुअली मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ बट मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और यहाँ की सबसे खास बात ये है कि यहाँ बहुत सफाई है। तो मतलब ये पार्टी वगैरह के लिए भी आप लोग बुकिंग आफ्टर उनका पार्टीज में रहता है ना, बच्चे आते हैं बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, कॉलेज के स्टूडेंट्स आते हैं सेलिब्रेट करते हैं, तो अब इन्जॉय करते हैं वो आराम से। शाम को फैमिली के लोग आते हैं और काफ़ी अपने यंगस्टर्स भी आते हैं, हर तरह के गैदरिंग है यहाँ पे। तो अभी जो इस रेस्ट्रो की जो स्पेशलिटी है, जो स्पेशल फूड जो है वो यहाँ पर क्या है? स्पेशल फूड में सर देखो, अब मैं बात करूँगा स्नैक्स में, तो लोग यहाँ पे दही के छोले जो हमारा आइटम है जो हमने स्टार्ट किया था उसको बहुत पसंद करते हैं। मतलब ये है कि मार्केट में कि HR 51 क्वालिटी अच्छी मिलेगी, कहीं खाना मिले मतलब उसमें मिलेगा और साथ में डिलीवरी तो है ही उसकी रात भर, जो कि सुबह 5 बजे डिलीवरी हम कर रहे हैं। तो ये तीनों चीज़ कस्टमर को मिल जाती है, कस्टमर को जरूरत कैसे। तो डिलीवरी मतलब 24 घंटे सुबह 5 बजे तक, सुबह के 5 ऑल डिलीवरी कह सकते हैं इस बेसिकली। हाँ, हाँ। 24 घंटे विद इन मॉर्निंग भी स्टार्ट करने वाले, लेकिन अभी किया नहीं है, कर देंगे शॉर्ट टाइम में वो भी आ जाएगा। तो ये था HR 51 रेस्टोरेंट का पूरा व्यू। उम्मीद करते हैं कि ये आपको पसंद आया होगा। अगर आप पहाड़गंज या दिल्ली विजिट करते हैं कैफेज़ को घूमने के लिए, तो ये भी आपके लिए एक ऑप्शन वाली जगह है कि जहां पर आपको एक विंटेज लुक देखने को मिल जाता है। तो वहीं यहां का जो फूड है, जो भी मैंने ऑर्डर किया था, वो बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस था। उम्मीद करते हैं कि ये सारा लुक और ये रेस्ट्रो आपको पसंद आया होगा और आप भी अपने नज़दीक सेक्टर 31 या सेक्टर 15 में जाकर इस रेस्ट्रो को विज़िट करते हैं।